हेलो एवरीवन, इंडिया में पेंडिंग कोर्ट केसेस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ये केसेस हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में पहुंच गए हैं। 4 अप्रैल 2021 तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में लगभग 4.4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जज स्ट्रेंथ 31 है, जबकि केसेस की संख्या 67,279 है। टोटल 25 हाई कोर्ट की बात करें तो 57,53,000 पेंडिंग केसेस हैं, जबकि अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस के अकॉर्डिंग बात करें तो पर जज 5,500 केसेस पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे सबसे ज्यादा बर्डन होता है, क्योंकि इनिशियल ट्रायल और प्रोसीडिंग इसी कोर्ट में करना होता है। इसके साथ ही मैटर को डिस्पोज ऑफ करने में ज्यादा टाइम लगता है। इंडिया में टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 672 है, जिनपे 3.81 करोड़ का बर्डन है। हाई कोर्ट्स की बात करें तो मैक्सिमम केसेस जो पेंडिंग है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें 7,73,327 केसेस पेंडिंग है, जबकि मिनिमम केसेस सिक्किम हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कि मात्र 245 केसेस हैं। इतने पेंडिंग केसेस होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो जजेस का मैक्सिमम स्ट्रेंथ ना होने का है, क्योंकि परमानेंट जजेस 815 और एडिशनल जजेस जो कि 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं 264 हैं, लेकिन टोटल जो ये पोस्ट हैं वो 1,079 हो जाती हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2021 तक 411 सीट्स खाली थी। इसका मतलब वर्किंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप देखें तो 60% जजेस ही टोटल कोर्ट्स में हैं। किस कोर्ट ने कितने केस डिस्पोज ऑफ किए ईयर वाइज देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 13,850, 2018 में 43,363 और 2019 में 45,787 केसेस डिस्पोज ऑफ किए। हाई कोर्ट ने 2017 और 18 में 16 लाख से ज्यादा और 19 में 19 लाख से ज्यादा केसेस। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट ने लगभग हर साल 2 करोड़ से ज्यादा केसेस को डिसाइड किया। अगर कोई नया केस ना आए तब भी इन केसेस को डिस्पोज ऑफ करने में कम से कम 5 से 6 साल लग जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।